तो हेलो मेरे भाई लोग, क्या हालचाल। आप सभी की आशा करता हूँ काफ़ी बढ़िया होगे। तो गाइस आज मैं आपको VR रैंक का ऐसा करेक्टर कॉम्बिनेशन बता दूंगा जिसको लगा कि आप इजीली ग्रैंड मास्टर लगा सकते हो। हाँ गाइस, आपको सामने वाला एनिमी टच भी नहीं कर पाएगा। तो गाइस ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ से अभी आपको इक्विप वाले ऑप्शन पर आ जाना है और गाइस यहाँ से आपको जो फर्स्ट नंबर पर जो करेक्टर लेना है वो गाइस यहाँ से आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर लूना करेक्टर है, जो इसको ही आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो गाइस मैं आपको बता दूँ इसका काम क्या होता है। आप जब भी किसी भी एनिमी पर फायर करोगे तो उसका ये रेट ऑफ फायर बढ़ा देगा 8%, ठीक है। और गाइस रेट ऑफ फायर के साथ साथ यहाँ पर आपकी मूवमेंट स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसको जरूर से लगा लेना, ये केली का काम भी खत्म कर देता है इधर से। तो गाइस अभी बात कर लेते हैं आपको दूसरे नंबर पे कौन सा करेक्टर लेना है, ठीक है। तो गाइस आपको इधर से आ जाना है और गाइस बिल्कुल नीचे आ जाना है स्क्रोल करके, ठीक है। बिल्कुल नीचे जब आ जाओगे यहाँ पर आपको जस्टिन बीब्स या बीबर्स क्या है गाइस मेरे को नहीं पता है, आपको ये करेक्टर दिख जाएगा तो आप इसको जरूर से सेलेक्ट कर लेना। इसका काम क्या होता है, जब भी आप किसी भी एनिमी से फाइट लोगे ना तो गाइस अगर आपके पास ईपी होगी ना तो ये आपका 12% डैमेज ईपी से काट देगा, ओके। तो आप इसको लगा लेना जरूर। इसको लगा लेने के बाद अभी बात कर लेते हैं आपको तीसरे नंबर पे कौन सा करेक्टर लेना है। तो गाइस जब वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है तो गाइस इधर से मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर आपको क्लिक करना है और गाइस इधर से आपको हाई ऑटो करेक्टर सेलेक्ट कर लेना है। इसका काम क्या होता है, आप जब भी किसी भी एनिमी से फाइट लोगे ना तो गाइस उसका डैमेज आप पर कम पड़ेगा और गाइस आपका डैमेज उस पर ज्यादा लगने वाला है 12%, ठीक है। तो गाइस आप इसको जरूर से लगा लेना। अभी बात कर लेते हैं आपको चौथे नंबर पे कौन सा करेक्टर लेना है। चौथे नंबर पे गाइस एक्टिव करेक्टर होने वाला है, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। तो गाइस अभी मैं आपको बता देता हूं यहां पर आपको एक्टिव में कौन सा करेक्टर चूज करना है। तो इधर से यहां पर क्लिक कर देना है फटाफट से, ठीक है। और गाइस इधर से एक्टिव वाले सेक्शन में आ जाना है और गाइस इधर से थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेना है, ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है। गाइस मैंने ज्यादा ही कर दिया। यहां पर आप जो आपको ये होमर करेक्टर दिख रहा है ना, अभी आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। इसका काम क्या होता है, आप जब भी किसी भी एनिमी से फाइट लोगे ना तो गाइस इसकी एक्टिव स्किल्स को अगर आप ऑन कर दोगे ना तो गाइस उसकी स्पीड जो होगी ना, मूवमेंट स्पीड, वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगी और उसको 25 का डैमेज भी लगने वाला है, ठीक है। तो गाइस आप इसको लगा लेना है और गाइस इधर से आपको जो पेट सेलेक्ट करना है इधर से वो मिस्टर बैगर ले लेना है, ठीक है। और गाइस लूट आउट में जो इधर ये होता है ना, इस पर आपको बोन फायर ही हमेशा सेलेक्ट करना है, ठीक है।